गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 2। आज हम एक अलग मेथड देखेंगे, पर पहले समझते हैं। मेरे हाथ में जो मार्कर पेन है उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आप बोलेंगे मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरी हाइट मेजर करनी है, तो आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। मैं गुजरात की एक सिटी में हूँ, अगर गुजरात की कोई सिटी से मुझे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, कोई भी सिटी का, मतलब इंडिया की कोई भी सिटी का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम मीटर स्केल से कर सकते हैं। पर मान लो अर्थ से मून कितना दूर है, अर्थ से सन कितना दूर है, तो वो मेजर करना हो तो आज हम अर्थ से मून का, अर्थ से सन का और अर्थ से किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के मेथड देखते हैं, और उस मेथड को बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड है क्या? तो पैरेलेक्स का मतलब होता है चेंज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास ये है मार्कर पेन, तो मैं ऐसा कहता हूँ, मान लो ये मार्कर पेन है, अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ऐसे एक आंख से, तो यहाँ उसकी पोजीशन यहाँ है, पर मैं इसी पेन को जब मैं इस आंख से देखता हूँ तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। अगर मेरे हाथ में ये उंगली है, मैं इससे देखूँ तो ये, जब इससे देखता हूँ तो ये, तो इसकी पोजीशन बदल जाती है। तो यहाँ इस पेन को यहाँ से देखे और इस आंख से देखे, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, और उस एंगल को मेजर करते हैं, उस मेथड को हम बोलेंगे पैरेलेक्स मेथड। तो मतलब पोजीशन ऑब्जेक्ट सीन बाय आईज वन बाय वन अल्टरनेटिंग, दिस मेथड इज कॉल्ड द पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स का मेथड मतलब है कि कोई भी चीज को अलग अलग आंख से देखो। यहां मैंने बताया कि यहां एक अर्थ है, हमारी अर्थ के दो पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, ए और बी। तो हम पहले, यहां मून है, तो मून को पहले ए पॉइंट से मेजर कर, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, और फिर बी से करेंगे बाय द टेलीस्कोप। तो यहां मैं इस मेथड को कैसे यूज करते हैं, तो टू पोजीशन फ्रॉम द अर्थ आर ए एंड बी, देयर आर टू पोजीशन ऑफ द अर्थ, एम इज द ऑब्जर्वर, अ मेजर फ्रॉम द ए एंड बी बाय द टेलीस्कोप। नाउ वी मेजर द एम ऑफ विथ एट द पॉइंट ए एंड बी, तो वन एंगल इज क्रिएटेड, दिस एंगल इज कॉल्ड द पैरेलेक्स एंगल। Parallax angle m, a distance between AM and the BM, they are the parallel, means they are the distance same distance है ये। मैं consider करता हूँ A और B के distance b है, तो हम जानते हैं कि theta is called the parallax angle according to definition of the angle, angle is equal to arc upon radius। अब जानते हैं angle मतलब parallax angle theta, arc मतलब ये हिस्सा में लगे। तो अगर आप ये लो या ये लो, दोनों एक ही होता है, मतलब नॉर्मली चेंज होता है, तो मैं ए बी को कंसीडर करता हूँ ए बी, और यहाँ आप जानते हैं रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो ये बी एम या ए बी, ए एम तो वो डी है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल बी अपॉन डी, सो डी इज इक्वल बी अपॉन थीटा। यहाँ डी क्या है, तो डी मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, बी क्या है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ, एंड थीटा मीन्स यहां पैरेलेक्स एंगल। यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द बी एंड द थीटा, वी कैन फाइंड आउट अ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। स्टूडेंट्स, अब पैरेलेक्स मेथड जो हमने देखी, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और वो जी और नीट में पूछे भी जाते हैं। यहां पर एक न्यूमेरिकल है, वो समझते हैं क्या बताएं। तो यहां अर्थ है, और अर्थ के दो डायमीटर पॉइंट है जो डायमीटर पर आए हैं, ए एन बी, और यहाँ मून आया हुआ है, तो मून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाय द टेलीस्कोप। हियर द वन एंगल इज क्रिएटेड थीटा एंड इज वैल्यू इज गिवन 1 degree 54 minute, इसको मिनट बोलते हैं, डिस्टेंस डी, एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ यू ऑलरेडी गिवन 1.276 × 10⁷ meter, 10⁷। अर्थ, देर आर टू पॉइंट ऑफ द ए एंड बी आर मेजर द मून, एंड द डायमीटर इज गिवन, द पैरेलेक्स एंगल इज गिवन, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब ये अर्थ से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो पहले हमें थीटा दिया है 1 degree 54 minute। अब इसको ऑलवेज एंगल कन्वर्ट इन ए डिग्री, रेडियन, तो हम इसको रेडियन कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिग्री या वन आवर, इसके मतलब 60 मिनट होता है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, थीटा इज इक्वल, पहले इसकी मिनट बना देता हूँ, 60 प्लस ये तो ऑलरेडी मिनट ही है, सो थीटा इज इक्वल टू 1 1
फोर क्या हो गई मिनट। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो डिवाइड बाय 60 से आप मिनट को डिवाइड कर, मतलब ये जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड करें तो आर हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी, और पाई अपॉन 180 कर देंगे। इसका अगर हम वैल्यू डाल फाइंड करें 114 अपॉन 60, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 डिवाइड बाय 180, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.03314। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो d इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया है, d इज इक्वल टू b अपॉन थीटा। सो d इज इक्वल टू, तो मैं ये वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, सो d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 7 डिवाइड बाय 0.03314। अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर आएगा 38.50 × 10^7। ये मीटर में है, अगर मुझे किलोमीटर करना हो तो कई बार एग्जाम के अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म कर देते, तो इस पॉइंट को मैं पहले याद ला देता हूँ, तो 3.850 × 10^8 मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। पर कई बार एग्जामों के अंदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है इसके अंदर ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को यहाँ किलोमीटर में लाते, सो d इज इक्वल टू किलोमीटर करना है था आपको, तो 3.850 × इसमें से हम 3 कम कर देंगे, 10^3 मीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर होता है, तो 10^5 क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ से 1, 2 और 3 जीरो गए तो 2 आएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 385 किलोमीटर दूर यहाँ से मून अर्थ से दूर आया हुआ है। ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ऐसा देखते हैं, अब मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मान लो मेरे पास एक प्लानेट है और वो प्लानेट का डिस्टेंस कितना है, तो वो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो सेम क्वेश्चन एक देते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो वो बात मैं थोड़ी समझाता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, आपको इजी रहेगा। दो एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एग्जाम पे पूछते भी। यहाँ अर्थ इज, यहाँ मून बात थी तो मून ले लो, अब मैं ले लेता हूँ प्लैनेट। प्लैनेट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू अ डायमीटर पॉइंट एंड इज मेक द एंगल, मैं प्लैनेट कर लेता हूँ, और यहाँ एंगल बना रहा है 90 20, ये दो डैश किए मैंने, इसका मतलब होता है सेकंड, और ये डायमीटर ऑफ द अर्थ सेम है, तो मुझे फाइंड करना है और कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। तो ये कैसे गिरेंगे, तो सेम मेथड, तो पहले तो हम ऐसा बोलेंगे कि थीटा जो दिया है पेरेंट्स एंगल तो 1920 है, तो पहले 1920 मतलब मैंने बताया था, मान लो 1 आवर है या 1 डिग्री है तो उसकी सेकंड कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है, तो मैं पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करता, तो सेकंड को आप जानते हैं तो 3600 से डिवाइड करें तो डिग्री हो जाएगी। अब डिग्री होने के बाद मल्टीप्लाई इस कन्वर्ट इन रेडियन, अगर आपको उसको रेडियन करना है तो पाई अपन क्या करेंगे 180। ये जो सेकंड है मेरे पास, ये सेकंड है, सेकंड को अगर आपको डिग्री करना है तो डिवाइड बाय 3600। अब ये डिग्री हो गई, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। थीटा इज इक्वल टू, मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3.14 डिवाइड बाय 180, तो आंसर आएगा 0.0093। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब यही आंसर हमें लाना आगे, तो ये वैल्यू हमें पैरेलेक्स एंगल की जो मेथड देखी थी उसके अंदर डाल देते हैं। सो d इज इक्वल टू b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और डायमीटर ऑफ द अर्थ हो तो इक्वल ही होता है, कांस्टेंट होता है, और थीटा है 0.0093। सो d इज इक्वल टू, तो इसका आंसर कुछ आएगा 137.2 × 10^7, ये मीटर आया, ये आंसर चलता है, पर बोर्ड के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में देते हैं, मतलब पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो मैं इस डिजिट को दो पॉइंट इस तरफ भगा देता हूँ, तो अगर यहाँ से वो दो स्टेप इस तरफ चलेगा, मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लिखते हैं, वो दो स्टेप इस तरफ मूव किया, तो यह दो स्टेप इस तरफ मूव किया तो इसके अंदर पावर दो ऐड हो जाएंगे, तो 7 से दो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 मीटर। अगर आपको किलोमीटर करना है तो इसके अंदर से आप
3 कम कर दीजिए तो 6 किलोमीटर भी हो जाएगा। कई बार मीटर में या कई बार किलोमीटर के अंदर आंसर, मतलब जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ से इतना दूर है। तो हमें अगर ये पैरेलेक्स एंगल दिया हो और डायमीटर तो हम जानते हैं, तो हम कोई भी प्लैनेट या मून या सन हमारे से कितने दूर है हम फाइंड कर सकते हैं। और ये एंगल कैसे फाइंड करें, तो एंगल फाइंड करने के लिए अभी जो टेलीस्कोप आते हैं, तो यहाँ से अर्थ से हम कोई भी प्लैनेट को देखते हैं तो वो टेलीस्कोप से देखा जाता है और टेलीस्कोप के अंदर ये एंगल क्रिएट होता है। उस एंगल को आप यहाँ पुट कर दो तो आंसर हमें मिल जाता है। तो यूजिंग दिस मेथड वी कैन सॉल्व द मैनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस between the earth, distance between the earth and the moon, distance between the earth to sun and the earth to any planet. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।